हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडीवेज में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले अप्रेंटिसशिप को लेकर। अगर आप लोग का अप्रेंटिसशिप कर रही है या अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं फ्रेंड, तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहिएगा और इस वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड इस वीडियो में आप लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला हो। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड हर अपडेट के बारे में आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कोल इंडिया SECL से सफलतापूर्वक जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुका है, उन लोगों का एक मांग है फ्रेंड। उन लोगों का कहना है कि हम लोग को अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, एक साल का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है और हम लोग अभी रोज़गार से वनडे हम लोगों को नियमित भर्ती किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, ट्विटर के माध्यम से इन लोगों का कहना है। तो यहाँ जो लॉकडाउन के कारण अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के माध्यम से SECL प्रबंधन सहित राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोयला मंत्रालय, उद्योग श्रम मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा है। ट्विटर के माध्यम से अभ्यर्थियों ज्ञापन सौंप रहे, उनका ये अभियान ट्विटर पेज के माध्यम से चल रहा है। इस पेज से लगभग 530 अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे SECL से अप्रेंटिसशिप सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं और वे अभी बेरोजगार हैं। बात करें कि जो अभी अप्रेंटिसशिप कोल इंडिया यानी कि SECL या और BCCL सभी से अप्रेंटिस जिन्होंने कर चुका है फ्रेंड, तो उन लोगों का नियमित करने की यहाँ पे बात होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों का कर लेने के बाद उन लोगों को रोज़गार कहीं पे नहीं मिल रहा फ्रेंड। तो यहाँ पे इससे पहले भी जब बात करें 1982, 1986, 1992 और 1993 में भी जिन लोगों ने फ्रेंड कोल इंडिया SECL से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुका था, उन लोगों को अप्रेंटिसशिप में नियमित भर्ती दिया गया था, ठीक है। तो वर्तमान में इसे फिर से दोहराना चाहिए फ्रेंड, और वर्तमान में जो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुके उन लोगों को नियमित करना चाहिए। और एक उल्लेख है फ्रेंड, जो वर्तमान समय में खदानों में जो मैन पावर की बहुत कमी हो रही है, ऐसे में खदानों मैन पावर बढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों के लिए नियमित भर्ती पुनः शुरू करने की मांग है, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनिए, तो फ्रेंड आप लोग आत्मनिर्भर बनिए और आत्मनिर्भर भारत में फ्रेंड आप लोग हिस्सा लीजिए। जो ट्विटर के माध्यम से जो 530 विद्यार्थियों ने, अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षुओं ने ये मांग रखा है कि हम लोगों को रोज़गार दीजिए और नियमित भर्ती किया जाए जिन्होंने कोल इंडिया से अप्रेंटिसशिप किया है। तो आप लोग आत्मनिर्भर बनिए, अपने मोबाइल उठाइए और फ्रेंड्स आप ट्विटर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए और ट्वीट कीजिए। जिस पेज में 530 अभ्यर्थी जुड़े उस पेज में जाकर जुड़ जाइए, उसमें ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि इसमें सपोर्ट करें आपका। अगर आपका फैमिली का कोई मोबाइल है फ्रेंड, परिवार का, तो उस मोबाइल से भी आप डाउनलोड करके ट्वीट कीजिए। और फ्रेंड एक बात है कि जो विपक्ष के नेता, जो बड़ा बड़ा नेता है, आपको जिसको लगता है फ्रेंड कि हाँ उसको हम टेक करके ट्वीट करके बोलेंगे, तो इस मुद्दे के वहाँ संसद में भी इसको बहस होगा। और जो न्यूज़ चैनल है फ्रेंड, जैसे कि NDTV, रविश कुमार को भी टेक करके ट्वीट कीजिए, क्योंकि रोज़गार हो या बेरोजगार हो या फ्रेंड स्टूडेंट हो या मजदूर हो, सबसे पहले इस मुद्दे को उठाने वाला सबसे पहले NDTV जो रविश कुमार है, इस कारण इसको भी टेक करके ट्वीट कीजिए, ताकि वो अपने चैनल के माध्यम इसको प्रसारण हो। इस मुद्दे का हर जगह पर फ्रेंड आपका चर्चा होनी चाहिए, तो ही जाके कुछ होगा, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत में आप भी आत्मनिर्भर बनिए। और फ्रेंड यहाँ पे बात करें कि कोल इंडिया BCCL से जो अप्रेंटिसशिप कर रहे विद्यार्थियों ने, उनका भी एक मांग है फ्रेंड, कि उनका कहना है कि हम लोग अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, एक साल के जगह हम लोगों को एक्सटेंड करके 3 साल किया जाए। तो फ्रेंड का ये मांग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोल इंडिया ITI एम्प्लॉयज एसोसिएशन के संयुक्त महामंत्री साहब प्रभारी रमेश महतो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि कोल इंडिया की इकाई BCCL के सभी 12 क्षेत्रों में कौशल विकास के तहत 2014 में हजारों संख्या में विद्यार्थियों ने ITI के तहत तकनीकी प्रशिक्षण लिया है, लेकिन सभी रोजगार से वंचित है। उन्होंने मांग किया है कि सभी छात्रों को एक वर्ष की जगह तीन वर्ष प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वह तकनीकी अनुभव प्राप्त हो सके और समय को देखते हुए जब BCCL के उत्पादन में वृद्धि होगी तो उन्हें भी स्वरोजगार भी मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे वो कोल इंडिया SECL हो, चाहे वो कोल इंडिया BCCL हो या NCL हो, सभी विद्यार्थी यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे रोज़गार के लिए यहाँ पे मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी कोल इंडिया से अप्रेंटिसशिप का कर चुके या कर रहे हैं, सभी एकता होइए और सभी एकजुट होइए, आत्मनिर्भर भारत में अपने मोबाइल उठाइए, ट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया में इतना दम है ना फ्रेंड, कि अगर आप लोग सब मिलकर एकजुट होकर अपने परिवार के मोबाइल से ट्वीट कीजिएगा ना, तो वही ट्रेंडिंग में आ जाएगा और चैनल में जब
जब इसका प्रचारण होने लगेगा, जब होने लगेगा ना, तो आपको 100% यहाँ पर रोज़गार मिलने की संभावना है। और यहाँ पर बात करें फ्रेंड कि जिस तरह अभी COVID-19 के चलते देश की आर्थिक स्थिति भी खराब है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाइएगा तो वहाँ पर आप देख सकते होंगे कि रोज़गार से बेरोज़गार हो रहे हैं। तो अगर आप वहाँ पर रोज़गार के लिए जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ पर आपको रोज़गार नहीं मिलेगा। इसी कारण आप सरकार को से दरखास्त कीजिए, और जो विपक्ष के नेता चिलेन है, जो बड़े बड़े चिलेन है, न्यूज़ चिलेन है, उनको भी टेक करके ट्वीट कीजिए, और आप एकजुट होकर और सभी एकजुट होकर मांग रखिए। आप लोगों को एक साथ मांग रखना है, और आप लोगों को ऑफलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सभी इसके माध्यम से, सभी को फ्रेंड यहाँ पे हक है, सभी को आत्मनिर्भर बनने का यहाँ पे मौका फ्रेंड इस मौके को गवा दीजिएगा, तो फिर दोबारा इस तरह का मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कुछ भी अगर समस्या हो फ्रेंड, तो इस चैनल के माध्यम से आप ट्वीट कर सकते हैं और कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड अगर आप लोग हमारे चैनल रॉयल स्टडी बीस में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि इससे रिलेटेड हर अपडेट के बारे में आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फ्रेंड आप लोगों के साथ हैं, और इस चैनल के माध्यम से आप लोग हर आवाज़ को, हर एक मांग को रखेंगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग एकजुट होइए फ्रेंड सबसे पहले।